सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, वो टूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो हम अब ये सीख रहे हैं सिलेक्शन मेनू के कुछ ऑप्शन के बारे में, जो कभी कुछ पिछले कुछ दिनों से जो हम सीख रहे हैं। और आज इसी तरह जो मैं आपको कलर रेंज के बारे में बताऊंगा कि कलर रेंज से क्या होता है सिलेक्शन मेन्यू का, ये भी एक ऑप्शन है, और कुछ मेन जो ऑप्शन है उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फोटोशॉप पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल न्यू टेक इजी को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में ध्यान रखिएगा बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आप कमेंट करते हो कि ये वाला वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो मैं पहले वो वीडियो बना चुका होता हूं। और तो वो आती होता है कि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जिससे हमारे वीडियो की जो सारी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंची। तो मेरा सजेस्ट करना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो फोटोशॉप में हम आ चुके हैं, और जो इस कलर रेंज का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक जो हमारा पार्ट, सॉरी पिछले में तो नहीं बताया, जो पार्ट चला था जहाँ पर मैंने आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में बताया, जब ब्रश टूल का जब दह चल रहा था मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में बताया। उसमें मैंने कहा था कि आप किसी भी ड्रेस का जो है कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन साड़ी वगैरह जो कलर्स है या फिर देखिए इस तरह से जो डिजाइनिंग वगैरह कलर है, यदि आपने प्रैक्टिस की तो वो उसमें अच्छी तरह से जो है चेंज नहीं हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह का जो सिंगल कलर के शर्ट वगैरह है, सिंगल कलर के जो लहंगे वगैरह है, सिंगल कलर के जो ब्लाउज वगैरह है, वो तो उससे अच्छी तरह से चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा फीकापन है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बारीकी से जो है इसमें रेड कलर है, उसको कैसे चेंज करें, प्रॉब्लम यहाँ पर आकर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इस चीज को कैसे चेंज करें। तो इसी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, और कलर रेंज इससे आसानी से हो जाएगा यदि आपने उस अध्याय की प्रैक्टिस की है, तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। तो इसी प्रॉब्लम का हम सिलेक्शन करते हैं, या फिर आपने कभी इमेज को सिलेक्शन किया होता है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी चीजों को हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सिंगल कलर की यदि कोई चीज कलर की भी है तो कोई बात नहीं, तो उन कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, और यहाँ पर देखिए इसका ये जो रेड कलर है, देखिए बारीकी से है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर भी देखेंगे तो डिजाइनिंग में बारीकी से है, तो इसको किस तरह से चेंज करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो मेन्यू है वो यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू में जाना है, और सिलेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर रेंज, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। हो सकता है यहाँ पर सिलेक्शन पर क्लिक हो, ये हो सकता है यहाँ पर इमेज पर क्लिक हो, आप चाहे जिस पर क्लिक कर लीजिए, मैं सिलेक्शन पर क्लिक करके इसे यूज करता हूँ। तो यहाँ से जो पहला जो थ्री जो आपको मिल रहे हैं सैंपल टूल, तो आपको जो ये थ्री सैंपल टूल मिल रहे हैं, तो इनसे क्या होता है कि आप सैंपल ले सकते हैं। तो पहला जो लास्ट वाला है ये तो जो आपने सैंपल लिया उसको रिमूव करने के लिए होता है, और ये दो होते हैं वो काम के होते हैं। जो पहला है वो काम का होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ से पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जैसे सिलेक्ट करते हैं ये मान लीजिए रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, तो इसने जितना भी रेड था तो उसका जो वेरिएशन था वो पूरा नहीं लिया, लेकिन इससे संबंधित जो वेरिएशन था वो उसने ले लिया, और यहाँ पर देखिए फोरग्राउंड कलर में डाल दिया है। उसके बाद में क्या होता है कि ये वाला जो होता है ये वाला ऑप्शन काफी बेटर होता है इससे, कि आपने जहां जहां से सैंपल उठा लिए वो सारे सैंपल्स या फिर उससे संबंधित सैंपल ये ले लेता है। इस तरह से देखिए यहाँ से पहला सैंपल, सेकंड सैंपल, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से जो है ये आप सैंपल ले सकते हैं इस तरह से, और सारे सैंपल्स को लेते हैं सिंपली, आपको क्या करना है ओके कर देना है, और इस तरह से देखिए रेड जो है सारा सिलेक्ट हो गया। ये तो था सिलेक्टेशन का एक तरीका। दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए सिलेक्शन का दूसरा तरीका आपको क्या करना होगा, फिर से उसी पर जाना है, इसको आप डिसलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल डी से कर दीजिए, फिर कुछ इस और तरीके से भी होता है वैसे, मान लीजिए कोई सिलेक्शन टूल लेकर उसको क्लिक करेंगे तो भी हो जाता है। सबसे पहले आपको उसी सिलेक्शन मेन्यू में जाना है, कलर रेंज पर चलना है, और यहाँ से आपको कलर्स ले लेने हैं, मुझे रेड सिंपली चेंज करना है, तो इस तरह से आप रेड में ले लेता हूँ। यदि आपको एक ही कलर चेंज करना है तो यहाँ पर रेड ले लीजिए, लेकिन अलग अलग सैंपल के कलर लेने हैं तो आप मान लीजिए जो आपको, तो आपको सैंपल लेने पड़ेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। जैसे ओके करता हूँ देखिए रेड जहाँ पर भी है वहाँ से सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, जो लिपस्टिक है वो भी जो है थोड़ी सिलेक्ट हो चुकी है, तो क्या करेंगे रेक्टेंगल टूल या फिर कोई सा सिलेक्शन टूल ले लीजिए, और यहाँ से आपको क्या करना है, जो
एड सिलेक्शन वाला है, उसके बाद में जो आप देखेंगे सबस्ट्रेक्ट सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर लाकर आपको इस तरह से रिमूव कर देना है। ये देखिए रिमूव हो चुका। और यदि इस अध्याय को आपने देखा है तो आप जान चुके होंगे कि किस तरह से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज का यूज किया है, जो रेक्टेंगल मार्क टूल का अध्याय था वो आपने देखा है। तो उसके बाद में क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इमेज पर जाना है, यहाँ पर इमेज पर जाना है और एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट के बाद में जाकर आपको ह्यूज सिचुएशन पर जाना है। ह्यूज सिचुएशन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने कलर रेंज का ऑप्शन आ जाएगा। अब चाहे जिस कलर में आप ड्रेस का जो सिलेक्ट हुआ एरिया है, जो रेड वाला एरिया है, उसको चाहे जिस कलर में चेंज कर सकते हैं। देखिए सिंपली किस तरह से चेंज होगा, आप देख लीजिए इस तरह से, देख जो आप चाहते हैं वो उसी तरह से देखिए, काफी अच्छी डिजाइनिंग में चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई और इस तरह से मैं ग्रीन रखना चाहूँ तो ग्रीन रख सकता हूँ, इस तरह से देखिए रेड रखना चाहूँ तो इस तरह से आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इस तरह से मेरे मान लीजिए मैं ये वाला ग्रीन ही रखना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट कर देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से आपकी जो ड्रेस का कलर है वो चेंज हुआ है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि ये ड्रेस एक्चुअली थी नहीं, तो हमने इसको कलर चेंज करके ड्रेस बना दिया है। तो आपके पास एक ड्रेस है तो उस ड्रेस से कई सारे डिजाइनिंग फोटोशॉप से तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। चलिए कुछ और ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं। और यहाँ से सिलेक्शन मेन्यू के बाद में जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है उस पर उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इस इमेज पर क्लिक करना होगा और मान लीजिए ये वाली इमेज हो और ये मॉडिफाई का ऑप्शन जो है अभी शो नहीं हो रहा है। इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कंट्रोल ए करके, या फिर इस बैकग्राउंड के लिए एक नई लेयर तैयार कर लीजिए। नई लेयर कैसे तैयार करते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, लेकिन मुझे इसी की डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके लॉक वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो एक और न्यू नई लेयर बन जाएगी इस तरह से। और जैसे आप अब सिलेक्शन मेन्यू भी जाओगे तो आप सॉरी अभी भी जो है सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो इसको वापस कंट्रोल ए प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से जैसे आप जाओगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। आपकी इमेज यदि सिलेक्ट है तो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन हमें पूरी इमेज पर नहीं डालना, इसको उठा देते हैं और इस सिलेक्शन को भी हम कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देते हैं। और अब जो है इस सिंगल बैकग्राउंड वाली इमेज का जो है बैकग्राउंड चेंज करना काफ़ी आसान होता है, तो वो कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सिंपली हम ये वाला ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पीछे वाला बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट है तो इससे नहीं होगा, तो हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज में ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली इमेज ली और अब इसी इमेज का जो है मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली ये सिंगल कलर का है तो ये देखिए इस तरह से आप जैसे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पर जो इसका वेरिएशन मिला है वहाँ से बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ से थोड़ा स्क्रीन का मिल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम टॉलरेंस थोड़ा इसका कम कर लेंगे। इसका टॉलरेंस हम 50% कर देते हैं और अब इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसको डिसलेक्ट करते हैं और फिर से सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर यदि रह गया है तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, तो देखिए सिलेक्ट हो चुका। अब क्या करना है, इसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आसानी से, जो कि मैंने मैजिक टूल में बताया था। लेकिन ये सिलेक्शन तो आपका बैकग्राउंड का हुआ, लेकिन आप इस इमेज सिलेक्शन में बदलना चाहते हैं तो वो कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इमेज पर क्लिक करना है। और इमेज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं और जो सिलेक्शन का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ से मिलता है, लेकिन हम सीख रहे थे अभी मॉडिफाई के बारे में, थोड़ा सा पहले मॉडिफाई के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में आप इसको जो हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से देखिए आप कोई भी सिलेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए सॉरी इसमें हम नहीं सीख रहे थे, हम सिलेक्शन टूल में सीख रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आई एम सॉरी। और यहाँ से जैसे आप जाओगे आपके सामने ये ऑप्शन मिल रहा है, पहला बॉर्डर, दूसरा स्मूथ, तीसरा एक्सपेंड, चौथा है कॉन्टेक्ट और पांचवा फीदर। फीदर का तो मैंने अलग से वीडियो बनाया था, यहाँ से भी आप फीदर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, मानिए सबसे पहले आप बॉर्डर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर वाला बाद में बताएंगे, सबसे पहले एक्सपेंड और जो है ये वाला इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपेंड वाले को सीखने के लिए एक्चुअली क्या करता है, एक्सपेंड वाला हमारे जो इमेज होती है उसको जो सिलेक्शन को है अंदर करता है, और जो कॉन्टेक्ट है वो इमेज के सिलेक्शन को थोड़ा बाहर करता है, इस तरह का ये काम करता है। तो उसी तरह के काम को करने के लिए हम आसानी से जो है इसका काम कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिसलेक्ट कंट्रोल डी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ उस तरह से है कि मैं आपको बार बार कंट्रोल डी फ्रेस करने के लिए कहता हूँ, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल, तो इस पर जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह से देखिए आपका जो बैकग्राउंड का सिलेक्शन था वो हट गया और जो आपकी इमेज का सिलेक्शन था
वो आपके सामने आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से क्लिक करके बता देता हूँ क्योंकि मैं वो बोलना भूल गया था। ये देखिए कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं। अब आपको सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड को डिसलेक्ट कर देना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिलेक्शन मेन्यू में जाना होगा और जो यहाँ पर इनवर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर शॉर्टकट की यूज कीजिए शिफ्ट कंट्रोल एल। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से सिलेक्ट होकर आपके सामने आ चुका है और सिलेक्ट होकर आपके सामने इमेज जो है आ चुकी है। अब इसको बॉर्डर देना वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद में मॉडिफाई पे जाइए। सबसे पहले बॉर्डर को देख लेते हैं। बॉर्डर पर क्लिक करते ही आपको पिक्सल मांगेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 का देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। 20 का देते ही देखिए काफी सारा बॉर्डर आ गया। वैसे इस पर 20 का लगना नहीं चाहिए लेकिन 20 का थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मान लीजिए इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं और फिर से हम उसी पर चलते हैं। ये देखिए सिलेक्शन पर चलते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई पर जाकर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं 5 पिक्सल का देता हूँ। इस तरह से देखिए 5 पिक्सल का काफी अच्छा लगेगा। अब इस पर बॉर्डर किस तरह से आप दे सकते हैं वो देखिए। तो बॉर्डर देने के लिए, तो बॉर्डर का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री। तो आप इसको जो है डिसलेक्ट कर दीजिए किसी भी टूल से, ये वाले इसी टूल से हम इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। सॉरी शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्रेस कीजिए, सॉरी 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 इससे नहीं होगा तो आप इससे कर दीजिए क्योंकि ये पहले से सिलेक्ट है। ये देखिए इस तरह से आप इसके सिलेक्शन को उठा दीजिए इस तरह से, ताकि क्योंकि हमें बॉर्डर पर चाहिए। बॉर्डर क्या होता है, चारों तरफ की इमेज के बॉर्डर देते हैं हम। और अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए ग्रेडियंट वाला ही देना है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने जिस तरह से जो है आप इस पर ग्रेडियंट पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेडियंट के लिए आपको क्या करना, सॉरी ग्रेडियंट को बताने से पहले मैं आपको पेंट बुकेट टूल से बता देता हूँ तो क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा। मान लीजिए पेंट बुकेट सूची से आप जो भी कलर इस पर फिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, पेंट बुकेट टूल को यहाँ पर लाकर आपको प्रेस करके छोड़ देना है और इस तरह से आपका जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से देखिए इसके चारों तरफ आगे जो कलर है वो इसका सेम है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए ब्लू कलर ले देता हूँ मैं और अब इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कैसा दिखाई देता है। इस तरह से देखिए आपका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा जो है बॉर्डर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि जो ये कलर है वो बॉर्डर है वो बहुत ही छोटा है और इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा बड़ा लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए। इस तरह से और फिर से सिलेक्शन में जाते हैं और इस इनवर्स पर क्लिक करते हैं, फिर से सिलेक्शन में जाते हैं और मॉडिफाई पर जाते हैं और बॉर्डर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर 10 पिक्सल का हम कर देते हैं और इस तरह से 10 पिक्सल का ये आ चुका है। और अब यहाँ से मान लीजिए कोई कलर वाला हमें देना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे, इस तरह से इस कलर को पेस्ट कर देंगे तो आपका जो बॉर्डर है इस तरह से देखिए पूरी इमेज पर जो है बॉर्डर अच्छी तरह से लग चुका है इस तरह से। तो आप फील ऐसी जगह करें जहाँ से सिलेक्शन चारों तरफ से बिल्कुल पैक्ड हो, तो वहां पर आपका जो है सिलेक्शन एरिया अच्छा आएगा। कंट्रोल डी करके देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए इसके चारों ओर बॉर्डर आ चुका है, बहुत ही आसानी से जो है बॉर्डर आया है, बहुत ही अच्छा बॉर्डर हमें लग रहा है। और कंट्रोल एल्ट जेड करके इसे रिमूव करते हैं और इसके ऊपर ग्रेडियंट देकर देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन ग्रेडियंट का है। अब आपको ग्रेडियंट कैसे देना है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला ग्रेडियंट जो सिलेक्ट है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर लगे इस तरह से छोड़ देना है। तो आपके देखिए अलग अलग रंग का आ चुका है और मान लीजिए ग्रेडियंट ये वाला हमें देना है और यहाँ से दूसरी स्टाइल में सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मुझे देना है 7 रंग का जो है उस पर क्लिक करना है। आप कुछ नहीं करना इस तरह से, जिस तरह से आप देना चाहते हैं देखिए इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से करते हैं तो थोड़ा इधर वाला आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए काफी अच्छा जो है, कंट्रोल डी कर दीजिए, काफी अच्छा जो है बॉर्डर आपके सामने मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा मैंने ज्यादा लेकर बताया था कि आप अच्छे से समझ सके इसे, इसलिए जो पिछले बार जो अभी भी मैंने बताया था उसमें काफी छोटा लिया था तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो इतना बड़ा भी आपको नहीं लेना है, थोड़ा छोटा ही लेना है। अब आप इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर एक्चुअली जरूरी क्यों होता है, क्योंकि इमेज को अच्छी तरह से शो करने के लिए बॉर्डर बहुत ही जरूरी होता है और आजकल बहुत सारे इमेज पर बॉर्डर दिया जाता है। चलिए इमेज को बॉर्डर दे लेते हैं। कंट्रोल ए क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर पर जाना है सिंपली सिलेक्ट मेन्यू पर जाकर और मॉडिफाई पर जाकर बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। बॉर्डर पर 10 का आ चुका है तो मान लीजिए 10 का ही हम इस पर देते हैं और सिंपली ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर हम इस तरह से क्लिक कर देते हैं। देखिए बॉर्डर भी काफी अच्छा इसके ऊपर लग चुका है। और उसके बाद में जो ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं सबको और फिर से इसको सिलेक्ट ही रहने देते हैं। और एक जो जरूरी चीज जो मैंने सिलेक्शन जो बताया था उसमें बताना भूल गया था वो इसमें सीख लीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इसको उठा देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आपको इमेज को कट करो मेरे हिसाब से, या फिर चलिए आपके लिए जरूरी है
तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका सिलेक्शन है वो इमेज के थोड़ा सा अंदर होते हुए लेना है, ताकि आपकी इमेज जब फेदर डाला जाए तो जो पिक्सल्स बाहर निकलते हैं वो बाहर निकले, तो आपकी इमेज ऐसे नहीं लगे कि इसकी कटिंग की हुई है। तो आपका जो बैकग्राउंड ऐसा है वो आपकी इमेज बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत प्रॉपरली आपकी कटिंग होगी। तो आपको जो सिलेक्शन एरिया है वो थोड़ा अंदर की ओर, लेकिन यहाँ पर अंदर की ओर कैसे रखें, ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, तो यहाँ पर अंदर की ओर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो एक्सपेंड और कॉन्टेक्ट है इसका यूज किया जाता है। तो एक्सपेंड जो है, वैसे तो एक्सपेंड का क्या कार्य होता है, आपको जो सिलेक्शन है उसको बाहर करने का कार्य होता है, और जो कॉन्टेक्ट का कार्य होता है वो उसको अंदर, सॉरी एक्सपेंड का जो कार्य अंदर की ओर करने का होता है, और जो कॉन्टेक्ट का कार्य है वो बाहर की ओर करने का होता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर काम किया वो सारा उल्टा किया है, तो सिस्टम भी आपका उल्टा ही चलेगा, क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया, पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया फिर इमेज को सिलेक्ट किया। तो जैसे मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कितना पिक्सल आपको अंदर देना है, मान लीजिए 2 पिक्सल मुझे अंदर देना है, तो आप देखेंगे 2 पिक्सल, देखिए जूम करके मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 पिक्सल देखिए अंदर की ओर आ चुका है, इस तरह से देखिए आ चुका है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाइए, मॉडिफाई पर जाइए, और कॉन्टेक्ट पर जाकर आपको क्लिक कर देना है, और मान लीजिए मैं 5 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखिए काफी अंदर की ओर आ चुका है। और जो सेकंड ऑप्शन इसका है मॉडिफाई में जाने के बाद एक्सपेंड वाला, इस पर क्लिक करते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो बाहर की ओर जाएगा, देखिए बाहर की ओर भागने लग गया है, इस तरह से इसका वर्क होता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो देख लेते हैं, एक्सपेंड के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फेदर वाला, तो फेदर वाले मैंने ध्यान में बताया था कि फेदर क्या होता है, तो फेदर वाला भी सीख लीजिए। यहाँ से आपको इस पर फेदर देना है, तो कितने पिक्सल का आप देना चाहते हैं, मान लीजिए 20 पिक्सल का आपको एंटर कर दीजिए, और किसी दूसरे बैकग्राउंड पर इस इमेज को लेकर जाना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाले कोई और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, बैकग्राउंड वैसे खास मेरे पास इसमें अभी है नहीं, फिर मैं आपको कोई बैकग्राउंड लेकर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए मैं डिस्क में जाता हूँ और यहाँ से जो फ्लावर्स वाला कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और इस पर इस इमेज को डालकर देखता हूँ, और यहाँ से आपको मूव टूल की सहायता से इसको उठाकर यहाँ से लेकर चला जाना है, और इस तरह से आप इसको जैसे ही लेकर आएंगे इस तरह से देखिए फेदर क्या होता है, आप खुद ही समझ चुके हैं। ये देखिए ये इमेज कटी हुई नहीं लग रही, क्योंकि ये देखिए बाहर से थोड़ा जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट व्हाइट से दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि आपका जो सिलेक्शन था वो काफी बाहर था, इमेज के बिल्कुल बॉर्डर पर था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा अंदर लेना है, 1-2 पिक्सल, कम से कम 2 या 3 पिक्सल अंदर की ओर लेना है, 2 पिक्सल लेना है, चलिए हर इमेज के लिए आप 2 पिक्सल लीजिए अच्छा रहेगा। तो आपको 2 पिक्सल अंदर की ओर लेकर चलना है, ताकि आपकी इमेज की कटिंग हो जो काफी बेहतरीन अच्छी दिखे, इस तरह से देखिए ये इमेज तो काफी अच्छी दिख रही है इस बैकग्राउंड पर, इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये था मॉडिफाई के बारे में, और जो अगले जो हम सिलेक्ट मेनू के अदर ऑप्शन के बारे में सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए वो दोस्तों इतना ही, वीडियो पहले काफी लंबा बन चुका है, बाय बाय दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स तो हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।